नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CVT ट्रांसमिशन की और ऊपर। और CVT ट्रांसमिशन सिस्टम का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। CVT सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है ज़्यादा पावर, बेटर फ्यूल इकोनॉमी और स्मूथर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो चलिए आज बात करते हैं CVT की। और तो CVT ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में सबसे पहले बता दें कि सिर्फ दो ही पैडल होते हैं। एक है आपका एक्सीलेटर पैडल और दूसरा है आपका ब्रेक पैडल। इस गाड़ी में क्लच पैडल नहीं होता है। और दोस्तों, सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम आपको बार बार गियर चेंज करने की झंझट से मुक्ति देता है। और जब भी आप कोई सीवीटी ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चलाओगे तो आपको महसूस होगा कि जब भी आप लो स्पीड से हाई स्पीड पर अचानक यानी कि क्विक एक्सलरेशन देते हो तो गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी जर्क फील नहीं होगा, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में कभी कभी आपको जर्क या थोड़ी थोड़ी इंजन का नॉइस आता रहता है। और दोस्तों, सीवीटी सिस्टम की एक बात कर ले तो जब भी आप अपनी गाड़ी की की स्टीयरिंग में डालते हो और अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल या पार्किंग गियर के सिवा कोई भी गियर में होगी तो आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अगर आपने गाड़ी बंद किया और आप कहीं खड़े हो और जब तक आपने न्यूट्रल या पार्किंग का गियर नहीं लगाया तब तक आपकी की स्टीयरिंग में से निकलेगी भी नहीं और आपके दरवाजे भी लॉक रहेंगे, आपके दरवाजे खुलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। दोस्तों, इस सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम में सिर्फ दो पुली होती है, जो कि पहली है आपकी कांस्टेंट आरपीएम पे चलने वाली पुली, जिसको आप ड्राइविंग पुली कह सकते हैं, और ये पुली आपकी सीधी इंजन के साथ कनेक्ट होती हुई है। और दोस्तों, आपकी दूसरी पुली होगी जो कि होगी वेरिएबल आरपीएम वाली पुली, और जिसको आप ड्रिवन पुली भी कह सकते हैं। और दोस्तों, ये दोनों पुली एक बेल्ट की मदद से घूमती रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीवीटी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको कांस्टेंट स्टेपलेस एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा स्टार्ट से लेके हायर स्पीड तक। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको जरा सा भी जर्क महसूस नहीं होगा, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में गियर बदलते समय आपको कभी कभी जर्क लग जाता है। और दोस्तों, सीवीटी का एक बढ़िया फायदा ये है कि जब आप कोई ढलान पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी का पिकअप लेने के लिए आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप अपना एक्सेलेटर पेडल दबाएंगे गाड़ी उस हिसाब से अपना पिकअप खुद ही सेट कर लेगी। और दोस्तों, सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम आपकी गाड़ी को क्विकर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जैसे ही एक्सेलेटर पेडल दबाया वैसे ही आप लो स्पीड से हाई स्पीड तक बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हैं, लो स्पीड से हाई स्पीड तक। और दोस्तों, इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो भी दोस्तों इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो लोग अभी अभी कार चलाना सीखे हैं उनको गियर शिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है, तो उन लोगों के लिए ये एक बढ़िया ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है जिससे उनको गियर बदलने की झंझट से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की। तो दोस्तों, इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी टॉर्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, जो कि उसके बेल्ट की वजह से है। और दोस्तों, सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम सिर्फ 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही हैंडल कर सकता है। इसके बाद इसका ट्रांसमिशन बेल्ट कट जाता है, जिससे आपका पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है। और दोस्तों, सीवीटी ट्रांसमिशन की वर्किंग लाइफ कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। और दोस्तों, इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि आज तक जिसने मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार चलाई है वो लोग अगर पहली बार सीवीटी यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार चलाते हैं तो वो क्लच दबाने के चक्कर में ब्रेक दबा देते हैं और गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इस गाड़ी में क्लच पेडल तो दिया ही नहीं है। इसलिए जो भी चलाता है पहली बार चलाते हैं उनको कई बार ऐसी गलतियां होती रहती है, स्टार्ट करने में दिक्कत आती है या फिर डोर लॉक रहते हैं, वो कहते हैं कि यार डोर खुलता क्यों नहीं। दोस्तों, जब तक आपकी गाड़ी न्यूट्रल या पार्किंग में नहीं लगी होगी उसका गियर
न्यूट्रल या पार्किंग में नहीं लगा होगा तब तक आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, यानी कि स्टार्ट नहीं होगी, आपकी की स्टीयरिंग से बाहर नहीं निकलेगी और आपके दरवाजे भी लॉक रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नए नए न्यूज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें।